शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और एसपी अमन सिंह राठौड़ ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के द्वारा 21 तारीख के भारत बंद के विषय पर जानकारी एवं रूपरेखा लेते हुए उन्होंने वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर कोड़े से माननीय उच्च न्यायालय के वर्गीकरण के फैसले के संबंध में 21 तारीख को भारत बंद होने में अपना सहयोग है या नहीं पूछा, जिस पर कमल किशोर कोड़े ने स्पष्ट तौर पर जवाब देते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण के निर्णय का सफाई पेशे से जुड़ी जितनी भी जातियां हैं वह सब स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है और इस फैसले के विरोध में 21 तारीख भारत बंद का हम बहिष्कार करते हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगल किशोर कोड़े। मैं प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश से हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से वंचितों के लिए सफाई कामगारों के लिए जो वर्गीकरण का जो आदेश पारित हुआ है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं और हम उसका स्वागत भी करते हैं और हम राज्य सरकार से ये निवेदन भी करते हैं कि इस अध्यादेश इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द से जल्द राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में भी लागू करने का कष्ट करें। साथ ही हम हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी एवं सफाई पेशे से जुड़े जितनी भी जातियाँ हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद में किसी भी प्रकार का सहयोग ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।